अभी अभी की बड़ी खबर बता देते हो, यूपी एमएलसी चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी जीती। केशव प्रसाद मौर्य बोले समाप्तवादी पार्टी बनेगी सपा। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड पर जीत के बाद की सपा की हवा निकल चुकी है। 2024 में हमने सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। वहीं बता दें कि एमएलसी चुनाव में जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशी को जीत की हार्दिक बधाई। बुद्धिजीवी वर्ग ने 2024 का संदेश दिया, मतदाताओं के प्रति आभार, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, हिंदू और रामचरित्र विरोधी को अहंकार और गुंडागर्दी करने वाले सपा का सफाया, समाप्त वादी पार्टी बनेगी सपा। बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उनाव स्नातक खंड और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की। वहीं कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदल ने जीत तय मानी जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। तो जिस तरीके से अभी कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदल की जीत तय मानी जा रही है, वही सारे जगह वहाँ पे अभी जीत का शोर शराबा दिख रहा है। तो अभी और न्यूज़ आने वाली है, तो मैं आपको सूचित जरूर करूँगा। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।